रुद्रप्रयाग विधानसभा में कांग्रेस से नाराज होकर निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरे पूर्व कैबिनेट मंत्री और कद्दावर नेता मातबर सिंह कंडारी लगातार प्रचार प्रसार में लगे हैं। पुराने नेता होने की वजह से क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ है, जिस वजह से कंडारी बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस बार उनका चुनाव चिन्ह अंगूठी है और वो लगातार लोगों से अंगूठी के निशान पर वोट देने की अपील कर रहे हैं। आज मैं चुनाव का मैदान में छूं और मेरे चुनाव चिन्ह से अंगूठी, हाथ की अंगूठी, अंगूठी, ये अंगूठी का चुनाव निशान का सामने को बटन दबाना, माथपर सिंह कंडारी विजय बोलना, और माथपर सिंह कंडारी विजय बोल लो तो आपको काम बोलो। 2012 में मैं हारी छूं तो क्या होना, ये सड़क पार में एक छही एक बाद ही अग्नि नहीं बढ़ी। अगर मैं जीत जान दो तो मैंने सौदा तक की सड़क ले जान थे, मठियाना तक की सड़क ले जान थे। उनका कहना है कि मौजूदा विधायक ने क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जो विकास के काम उनके रहते हुए हुए, उन्हें बाकी विधायकों ने आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा कि वो बाकी प्रत्याशियों की तरह ठेकेदार नहीं है बल्कि जनप्रतिनिधि है। यहाँ पर सड़कों का मैंने जाल बिछाया है, यहाँ पर महाविद्यालय खोले, यहाँ पर पॉलिटेक्निक खोले, यहाँ पर मैंने आईटीआई खोले, यहाँ पर मैंने इंटर कॉलेज खोले, यहाँ पर मैंने हाई स्कूल खोले, यहाँ पर मैंने जूनियर हाई स्कूल खोले, यहाँ पर मैंने कई बेसिक पाठशाला खोला। आज जनता मेरे को सम्मान देती है। मैंने इस क्षेत्र का चहुंमुखी विकास किया है, जनता के साथ धोखा नहीं किया, और 35 वर्ष के कार्यकाल में जनता की सेवा की मैंने। 35 वर्ष तक एक पैसे का आरोप मेरे ऊपर नहीं है, ये दामन बिल्कुल साफ है। और यहाँ तो ये है, जो बनना चाहते हैं अभी बने नहीं हैं, गलेदारी और ठेकेदारी कर रहे हैं, ठेके भी अपने आप कर रहे हैं। ठेकेदार को करना चाहिए ना जो ठेकेदार है। मैं ठेकेदार बन जाऊंगा तो विधायक मैं किस किस। अपने ताबड़तोड़ जनसंपर्क के दौरान माधवर सिंह कंडारी लगातार क्षेत्र भ्रमण पर हैं। इस उम्र में भी वो हाथ में छड़ी लिए दुरस्त गांव में जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं। कुछ दिनों में ही उन्होंने नौगांव, बामसू, बाड़ा, धारकोट, बरसुड़ी, बरसों, झुंडोली, कमोडली, गुरदासपुर, कोली, पाटा, गहड़खाल, खेड़ाखाल, नवासू, मोंटा, पतनौली के दुरस्त क्षेत्रों में पहुंचकर जनसंपर्क किया। कंडारी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनका राजनीतिक सफर बहुत लंबा होने के बावजूद बेदाग रहा है और लोग उन्हें इस बार निर्दलीय ही विधानसभा में पहुँचाने वाले हैं। संवाद 365 ब्यूरो रिपोर्ट।